जैसे जैसे लोकसभा चरण दर चरण चुनाव खत्म हो रहा है, वैसे वैसे चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। 20 मई को पांचवें चरण का चुनाव होना है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन और हमीरपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के समर्थन में रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपस्थित रहे। अखिलेश ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने भाजपा पर जनता के साथ लूट खसोट करने और ठगने का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने जनता को कई लुभावने वादे किए। जनसभा में भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, भीड़ को देख राहुल और अखिलेश गदगद दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव समुद्र मंथन की तरह है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाले और दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लगे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।